राजस्थान की डीग कुमेहर विधानसभा के विधायक और गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के तो अधिकारियों से उलझने के मामले कई बार सामने आए, लेकिन अब ताजा मामला उनके बेटे का है। दरअसल भरतपुर में 3 दिन पहले मथुरा गेट थाना इलाके में सारस चौराहे पर तैनात एक ट्रेनी आरपीएस अधिकारी पूनम के लिए वो वक्त भारी पड़ गया जब उन्होंने रूटीन चेकिंग के दौरान पूर्व मंत्री और सचिन पायलट खेमे के खास कहे जाने वाले विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह की गाड़ी को रोक लिया। उसके बाद अनिरुद्ध अपनी कार से निकलकर पुलिस अधिकारी के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी के सभी कागजात दिखाए, साथ ही महिला पुलिस अधिकारी से पूछा कि कार रोकने की क्या वजह है। इसके बाद चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। यह बहस काफी देर तक चलती रही। वही कैमरे के आगे बात करने से इनकार करते हुए पुलिस अधिकारी पूनम ने बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वह रूटीन चेकिंग के लिए चौराहे पर खड़ी थी, तभी अनिरुद्ध वहां आ गए, जिसे वह जानती भी नहीं थी। इसके बाद बेवजह अपनी कार रोककर मुझे कागजात दिखाने लगे। बहस करे कि मैंने उनकी कार को रोका नहीं था। सूत्रों के मुताबिक अनिरुद्ध के कार्यकर्ता के परिचित की स्कूटी चेकिंग के लिए पुलिस अधिकारी ने रोक ली थी, जिससे नाराज कार्यकर्ता ने अनिरुद्ध सिंह को फोन कर दिया, साथ ही इस संबंध में जानकारी दी थी। इससे नाराज अनिरुद्ध सिंह खुद अपनी कार में सवार होकर मौके पे जा पहुंचे, पुलिस अधिकारी के पास जाकर अपनी कार रोक दी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वही अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बेवजह उनकी कार को रोका था, लिहाजा काफी समय तक उन्हें खड़ा रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि गलत है। I have a pollution control certificate here, ma'am, that has been done from Delhi. I have my loan papers in order, the insurance is in order, and the car is registered. So what would you like to check? I have my mask, both front passengers were in the seat belt. The car was within this, the speed limit. So what is it that I can help you with? I respect that you are the officer, the commanding officer in the area. I am happy to supply you with any information that you would like. आप मुझे बता दीजिए। जी। आपकी चौकी वालों ने उठा लिया। जी। आई चेक कर लेते हैं। I completely respect, but what would you like to check? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। And ma'am, we are in a, I also like to remind you with the politest method that we are in a democracy, and I'm sure that you should allow my people to record a conversation. अब जब यहाँ प्रॉब्लम है तो मैडम भागने को तैयार है। अब मैं तो पोलाइटली पूछ रहा हूँ कि आप क्या देखना चाहेंगे। देवेंद्र जी, आप देख रहे हैं मैं कितना पोलाइटली पूछ रहा हूँ मैडम से एक एक चीज का। दिस इज द कर्टेसी ऑफ भरतपुर पुलिस दैट पहले रोक लिया हम लोगों को। मैं पोलाइटली पूछ रहा हूँ आप क्या कागज देना चाहेंगी। कागज सारे हैं और अब इनको जाने की पड़ी है। अब आप देख लीजिए।